मराठा एम्पायर के बारे में हमने पहले भी देख रखा था कि मराठा एम्पायर औरंगजेब के समय शिवाजी की कुछ डिस्प्यूट्स होती हुई दिखाई दे रही है ना, और जो शिवाजी की डिस्प्यूट है वो किसके साथ है? औरंगजेब के साथ है। बिफोर शिवाजी, बिफोर औरंगजेब, गुड रिलेशंस ऑफ शिवाजी विद शाहजहां, इवन जब उनके फादर को शाहजी भोंसले को गिरफ्तार कर लिया था बीजापुर की डायनेस्टी ने, तो फिर वो शिवाजी हेल्प के लिए भी गए थे शाहजहां के पास, और शाहजहां ने हेल्प भी की थी। लेकिन औरंगजेब की पॉलिसीज़ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है मराठों के लिए, और इसलिए डिस्प्यूट बढ़ते जाते हैं, यही पूरी कहानी दिखाई दे रही है। शिवाजी को कहते हैं कि मराठा एम्पायर के फाउंडर हैं, क्योंकि यहीं से मराठा एम्पायर स्टार्ट होती है। इन द एज ऑफ, अगर देखा जाए, इन द एज ऑफ 16 ईयर्स उन्होंने पहला अपना किला जीत लिया, सिंहगढ़ फोर्ट। इट वॉज अंडर द बीजापुर डायनेस्टी। जो सिंहगढ़ का किला है वो बीजापुर डायनेस्टी के अंडर में है, और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने ऐसा कर दिया। देखो, इनके फादर का नाम शाहजी भोंसले है, जो एक ऑफिशियल है कहाँ पे, बीजापुर डायनेस्टी में, ठीक है। मदर का नाम भी जीजाबाई है, और उनको बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाया करती हैं, या महाभारत और रामायण की, जैसा सुना होगा। शिवाजी ग्रूम्ड बाई हिज मदर, बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाती है महापुरुषों की, और इससे उनके अंदर थोड़ा सा साहस बढ़ता है, ठीक है। जितना बढ़िया ट्रेनिंग होगी उतना ही बढ़िया वॉरियर होगा। इनके एक टीचर भी हैं, अब इनके टीचर्स दो हैं, एक चाइल्डहुड का होगा और एक जब स्पिरिचुअल, एक होता है ना आध्यात्मिक, इनके दो गुरु हैं, एक चाइल्डहुड के और एक आध्यात्मिक। ये हैं दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव, और दूसरे हैं समर्थ गुरु रामदास। तो इनकी स्पिरिचुअल और चाइल्डहुड की ट्रेनिंग स्ट्रांग है। इनका बर्थ शिवनेरी में होता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ये शिवनेरी महाराष्ट्र में। जब ये कम उम्र के ही हैं तो इनके पिताजी, क्योंकि जागीरदार हैं, बड़े पद पे हैं बीजापुर डायनेस्टी में, तो ही ग्रांटेड जागीर ऑफ पूना। कम ही उम्र में पूना की जागीर इन्हें दे दी जाती है, एंड देन देखा जाए तो कम ही उम्र में ये किले भी जीतना शुरू कर देते हैं। आगे चल के इनकी कुछ मुगलों से लड़ाई भी, उलझाव भी दिखाई देता है, जैसा हमने पीछे चर्चा किया हुआ था, ठीक है। और ख़ास करके औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के साथ इनकी जीत तो नहीं होती, लेकिन लगातार लड़ाई चलती रहती है। शिवाजी को हम इसलिए भी जानते हैं कि शिवाजी गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट हैं, क्या गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है, मतलब कि छापामार रणनीति, छुप छुप के युद्ध लड़ना, और इसके लिए इन्होंने एक संग्रह भी किया था, शिव सूत्र। इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर की किताब का नाम क्या है? शिव सूत्र। उसी में सारी स्ट्रेटजी लिखी गई है, ठीक है। इन 1674 ही बिकम रूलर, 1674 में ये रूलर बन जाते हैं, और रायगढ़ के किले में बनारस से एक पंडित बुलाया जाता है गंगा भट्ट, और उसी के द्वारा राज्यारोहण होता है। कोरोनेशन हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रीस्ट विच केम फ्रॉम वाराणसी गंगा भट्ट, कोरोनेशन हेल्ड एट रायगढ़ फोर्ट 1674। फिर ये उपाधियां लेते हैं, छत्रपति, क्षत्रिय, कुलोवतान, शहेंदो, धर्मोद्धा, ये सब इनके उपाधियां हैं, जैसा सुना होगा, ठीक है। और फिर इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कहते हैं? अष्ट प्रधान। इसमें 8 लोग होते थे, इसी में से पेशवा भी एक है, पेशवा वन अमोंग देम। पेशवा कौन से पद पे है? पीएम के पद पे है। क्लियर हुआ ये मसला? तो यहां तक की कहानी तो क्लियर हो गई। अब शिवाजी की अगर डेथ देखोगे तो 1680 में इनकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ है ये। थ्रू आउट हिज लाइफ ही फॉट विथ ब्रेवरी, इवन औरंगजेब शिवाजी को कहा करता था समुद्री चूहा, सी माउस।
क्योंकि ये छुप छुप के गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, छुप छुप के लड़ाइयाँ किया करते थे और अच्छा कॉन्टेस्ट दिया इन्होंने। इनके पास उतनी बड़ी मिलिट्री नहीं थी जितनी औरंगजेब की, बट ही कॉन्टेस्टेड टिल हिज लास्ट ब्रीथ, अपने अंतिम सांस तक ये धुआंधार लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब जब शिवाजी की डेथ हो जाएगी तो इनका एक बेटा है शंभाजी, शिवाजी की जब डेथ हो जाएगी तो इनका एक बेटा है शंभाजी, पहले वो औरंगजेब के दरबार में ही काम कर रहा था, लेकिन जब शिवाजी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो वो एक रिबेलियन बन गया, उसका नाम है शंभाजी। शिवाजी के एल्डर बेटे का नाम क्या है? शंभाजी। और वो मराठा एम्पायर को लीड करेगा 1689 तक, बट ही वॉज किल्ड बाई औरंगजेब। 1689 में वह मारा जाएगा औरंगजेब के द्वारा। क्या नाम है उसका? शंभाजी। कहानी आ रही है समझ में? एल्डरसन शंभाजी, शिवाजी के एल्डरसन है शंभाजी, और ये कब तक रूलर रहेंगे? 1682-1689 ये इनका पीरियड है। इन्हीं के सन का क्या नाम है? शंभाजी के सन का नाम शाहू जी, इन्हीं के बेटे का नाम है शाहू जी। He was captived. He was captived by Aurangzeb. Aurangzeb ने इन्हें बंदी बना लिया था। अभी बताया था मैंने नहीं पिछली लेक्चर में कि औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया था। किसने छोड़ा था इसे? किसने? बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया था और इनको क्या किया? किल्ड। ये मारे गए और ये बंदी बना लिए गए। इसके बाद कौन आया? नेक्स्ट रूलर मराठों में अगला रूलर कौन आया? राजा राम। और राजा राम, राजा राम, और ये जो राजा राम है कौन है? ब्रदर ऑफ शंभाजी, मतलब बेटा हो गया क्या उनका? शिवाजी का ब्रदर ऑफ शंभाजी। इसकी वाइफ है ताराबाई। यह राजा राम कब से कब तक बना रहेगा? 1689 to 1700 यहाँ तक बना रहेगा, 1689 to 1700। इसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बेटे का नाम है, बहुत छोटा सा है, माइनर है, 4-5 साल का, और नाम रख दिया इसने शिवाजी सेकंड। रोता बहुत है, बच्चा है छोटा सा और इसका नाम रख दिया गया शिवाजी सेकंड। अब देखो क्या होगा, ओरिजिनल वारिस कौन है इस साम्राज्य का? ओरिजिनल वारिस कौन है? पहले क्या नियम चलता था कि बड़ा बेटा ही साम्राज्य का वारिस बनेगा और उसका बेटा ही साम्राज्य का वारिस बनेगा, ऐसा ही था ना? तो ओरिजिनल वारिस कौन है? ये ओरिजिनल सक्सेसर ये है, लेकिन ये कहां बंद है? ये तो औरंगजेब के कब्जे में है, ही वॉज अंडर द कैप्टिव ऑफ औरंगजेब, और ओरिजिनल सक्सेसर यही है क्योंकि ये बड़े बेटे का बेटा है, यही है ना समस्या? और देखो क्या होगा, इसकी डेथ के बाद वेन राजा राम डाइड शिवाजी डिक्लेयर्ड एज शिवाजी सेकंड डिक्लेयर्ड एज न्यू रूलर अंडर रिजेंसी ऑफ
ताराबाई। ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी द्वितीय को नया शासक घोषित कर दिया गया। कहानी आ रही है समझ में? ऐसी स्टोरी दिखाई दे रही। अब वो जो छूट के आएगा तो डिस्प्यूट बढ़ेगा क्या? शाहू छूटेगा ना, पूरी पुरानी कहानी से कनेक्ट करो। आएगा तो डिस्प्यूट बढ़ेगा ना, कौन दावा ठोक देगा इस साम्राज्य के ऊपर? शाहू। और जीतेगा कौन? ऑब्वियसली शाहू जी ही जीतेगा। तो ऑब्वियसली व्हेन शाहू रिटर्न बैक ही डिक्लेयर्ड एज न्यू रूलर। बहुत क्लियर है, लड़ाई लड़नी पड़ी थी और नया राजा बन गया। When Shahu returned back, declared as new ruler after a battle. शाहू एक युद्ध के बाद नया शासक बना, ठीक है। शाहू के अगर पीरियड को देखोगे, ये टिल 1748 तक बना रहेगा, 1748-49 तक बना रहेगा। ये सब मतलब एक आइडेंटिकल है याद रखने के लिए। और ये कैसा बना रहेगा? नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड। शाहू ग्रांटेड सुपीरियरिटी टू पेशवा। समझ रहे हो? क्योंकि शाहू कमजोर है, उसको लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत दिनों तक तो औरंगजेब का बंदी ही था। तो अब अपनी किसको ज़्यादा सुपीरियर पावर दे देगा? पेशवा को। एग्जाम में पूछते हैं कि पेशवा तो शिवाजी के समय में भी था, लेकिन किसके समय स्ट्रांगर हो गया? शाहू जी के समय। ठीक है, बात समझ रहे हो? नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब ये हो गया, ठीक है। अब इसकी पूरी पीरियड में कौन से लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे? पेशवाज। पेशवाज बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहू, क्योंकि शाहू लंबे समय तक बंदी बना रहा है, इसलिए उसके जैसा होता ना कि शेर को बहुत दिनों तक सर्कस में रख दिया या पिंजड़े में, तो उसकी कैपेसिटीज जाती रहती हैं। जैसे आप पढ़ाई छोड़ दो एक साल दो साल, कैसा महसूस होगा? बचपन में पहुंच गए हो, कुछ भी ना छुओ, ना लिखो, ना पढ़ो, एक दो साल तीन साल छोड़ दो पढ़ाई, कैसा महसूस होगा? कुछ याद ही नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा, लिखने में आदत खराब हो जाएगी, बोलने में आदत खराब हो जाएगी। आप एक हफ्ते एक महीने ना बोलो, मौन व्रत में चले जाओ, बोलोगे एक महीने बाद तो कैसा लगेगा? कॉन्फिडेंस कमज़ोर लगेगा, स्टैमरिंग होगी वॉइस में, फोर्स नहीं आएगा, बातों को समझा नहीं पाओगे, फिर धीरे धीरे ठीक होगा। वो अभ्यास से ठीक हुआ है ना, तो सिमिलर कंडीशन फेस्ड बाई शाहू। ही वॉज कैप्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड अंडर औरंगजेब। हाउएवर औरंगजेब डिड नॉट चेंज हिज रिलीजियन एंड ही नेवर डिसरेस्पेक्टेड शाहू। बंदी तो बनाया है लेकिन जेल में नहीं रखा है, अपने महल में रखा है, क्योंकि शाहू की उम्र छोटी है, उसके साथ खेलता है, उसके धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। उसकी बेटी औरंगजेब की जिनतुन निशा उसको कह देता है कि बच्चे की देखरेख करो। समझ रहे हो? तो बड़ा सॉफ्टली ट्रीट करता है, कोई ऐसा नहीं कि बंदी बना के बेइज्जती कर दिया है, ठीक है, और धर्म परिवर्तन भी नहीं कराता है।
तो ये तो समझ गए। अब ये जो पेशवाज हैं, तो पेशवाज में कुछ ही पेशवा ज्यादा फेमस दिखाई देते हैं। एक है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, इनको कह देते हैं फर्स्ट पेशवा। ऐसा क्यों कहते हैं फर्स्ट पेशवा? क्योंकि पेशवा पहले भी हुए थे 6-7, लेकिन वो कमजोर थे, ठीक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अब इसी के समय से, साहू के समय से पेशवा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। तो कौन है फर्स्ट पेशवा? बालाजी विश्वनाथ। फर्रुखसियर टुक हेल्प फ्रॉम हिम। फर्रुखसियर का पीरियड है क्या ये? याद आ रहा है? फर्रुखसियर टुक हेल्प फ्रॉम हिम, तो इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। फर्रुखसियर ने इनकी सहायता ली थी। मराठा एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग हिज पीरियड। इसके पहले तक मराठा एम्पायर उतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अब ताकतवर हो गई। मराठा एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर। ये हो गए बालाजी विश्वनाथ। अब सब बेटे ही होंगे एक दूसरे के, वन बाई वन, ठीक है। बाजीराव फर्स्ट, ये जो बाजीराव फर्स्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पेशवा, क्या है ये? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, ताकतवर व महानतम, स्ट्रॉन्गेस्ट व ग्रेटेस्ट। रीइनकार्नेशन ऑफ पार ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर शक्ति का अवतार कहते थे। इट वॉज नोन एज रीइनकार्नेशन ऑफ पावर ऑन दिस अर्थ। यह वही बाजीराव है क्या? बाजीराव फर्स्ट, एंड इसकी रानी का नाम है क्वीन मस्तानी, और उसी पे सब कहानियां बना दी गई, कल्पना का सहारा लिया गया है। हिज क्वीन वॉज मस्तानी। नहीं, वो भी देखो, राजाओं की कई सारी रानियां होती थी, वन वन वॉज मस्तानी। इवन शिवाजी मैरिड सेवरल टाइम्स, उनकी भी कई सारी रानियां थी, और राजाओं के साथ देखो क्या होता था ना, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए वो मैरिजेस कर लेते थे। जैसे कहीं पे क्लोज रिलेशन बनाने हैं, डिप्लोमेटिक बेनिफिट लेनी है, तो क्या कर लेंगे? मैरिज कर लेंगे। पहले अभी भी होता है बड़े बड़े घरानों में, पॉलिटिशियंस में। तो ये छोटी रानी थी, इसलिए अफवाहें ज्यादा उड़ेंगी क्या? ऑब्वियसली। और
और इसकी एनकाउंटरिंग किससे होगी बाजीराव की? मोहम्मद शाह रंगीला। कई बार मोहम्मद शाह रंगीला को यह धमका चुका था बाजीराव। फर्स्ट थ्रेटेंड मोहम्मद शाह रंगीला सेवरल टाइम्स एंड ही वॉज हैबिचुअल कवर्ड। आदतन कायर है वो मोहम्मद शाह रंगीला, तो किसी से डर जाता है। तो ये तो बहुत किसी तो है नहीं है, ये तो बहुत ताकतवर है बाजीराव फर्स्ट। तो इसलिए इसकी पीरियड भी बहुत फेमस दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद 1741 टू 1761 बालाजी बाजीराव, सन ऑफ बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव। और इसी समय क्या हो गया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्यों? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अभी मूवी आ गई है। किसके किसके बीच थी? पेशवा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कमांडर इन चीफ ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली, और बहुत ताकतवर है। अब समस्या क्या है कि अहमद शाह अब्दाली आता रहा है भारत में और बार बार आक्रमण करता रहा। ठीक है, वही प्लंडरिंग ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग अहमद शाह, या उसके बाद भी आता रहा। समस्या क्या हो गई कि ही अपॉइंटेड हिज रिप्रेजेंटेटिव इन दिल्ली, दिल्ली में अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर देता है। कौन? अहमद शाह अब्दाली। और ये जो पेशवा है ना बालाजी बाजीराव, इसका एक कजिन है, कजिन, उसका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, इसको जैसे होता ना कि किसी का कोई जान पहचान का व्यक्ति बहुत बड़ी पदवी पे आ जाए तो व्यक्ति एरोगेंट हो जाता है। रघुनाथ राव ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यूजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पेशवा। रघुनाथ राव हमेशा पेशवा की धौस दिखाता है कि मैं पेशवा का भाई हूँ। आई वॉज ब्रदर ऑफ पेशवा एंड दैट इज़ भाई ही यूज्ड नेम ऑफ पेशवा सेवरल टाइम्स। जब दिल्ली में आ जाता है वो तो अहमद शाह अब्दाली के रिप्रेजेंटेटिव को मार डालता है। होता ना ओवर कॉन्फिडेंस में, उसने कहा होगा कि मैं पेशवा का भाई हूँ, उसने कहा होगा मैं भी अहमद शाह अब्दाली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उसने कहा होगा पेशवा बड़ा है, लो मैं तुम्हें मार देता हूँ। ये बात किस तक पहुंच गई है? अहमद शाह अब्दाली तक, अहमद शाह अब्दाली तक ये बात पहुंच गई। तो उसके लिए रघुनाथ राव मतलब क्या? जीरो। जैसे मान लो कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मान लो कि मैं बीजेपी का या कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं अगर कोई भी गलत काम करूंगा तो किस पे आरोप लगेगा? पूरी पार्टी के जो सीनियर लोग होंगे उनके ऊपर आरोप लगेगा कि दे डिड दैट, ऐसा ही होगा ना? ठीक है, यहां भी वैसा ही हुआ। रघुनाथ राव किल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अब्दाली इन दिल्ली एंड अब्दाली टुक इट पर्सनली। ही अंडरस्टूड पेशवा डायरेक्टेड रघुनाथ राव टू किल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइन इन दिल्ली। नहीं आ रहा समझ में? वो अहमद शाह अब्दाली समझ रहा है कि पेशवा बालाजी बाजीराव ने भेजा हुआ है रघुनाथ राव को और उसने मार डाला मेरे रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो किसके खिलाफ युद्ध छेड़ेगा? पेशवा खिलाफ। पेशवा को पता ही नहीं है, पेशवा को पता ही नहीं है, थोड़ा वीक टाइप का है ये, इसको कुछ घटना पता ही नहीं है। उधर से नोटिस आ जाती है कि पहुंच जाना पानीपत, फिर से नोटिस आ गई। अब अहमद शाह अब्दाली की आ गई कि लड़ना है हमें, पानीपत में लड़ना है, हो गई समस्या। अब लड़ाई छिड़ जाएगी और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं भी बड़ी हैं। मराठाज हैड ओनली 45,000 फोर्सेज अगेंस्ट अब्दाली 65,000 फोर्सेज, और वो भी तो लड़ने में एक्सपर्ट थे। और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं आ जाती हैं, उसका अब्दाली ने बस एक भाग भेजा है अपना, वो पूरी सेना नहीं भेज रहा है, वो तो एक पोर्शन भेज रहा है कि जाके लड़के ख़त्म करो मसले को। लड़ाई हो जाती है और रिजल्ट क्या निकला? कौन जीतेगा? अहमद शाह अब्दाली। ऐसा नहीं कि मराठे लड़े नहीं या
ऐसा नहीं कि मराठों ने अपोज नहीं किया, लड़ाई हुई लेकिन कुछ फ्रूटफुल नहीं हुई। अब देखो इसमें समस्या क्या थी कि इधर है अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस वर्सेस इधर से है पेशवा खुद लड़ने नहीं गया था विश्वास राव, ये सन ऑफ पेशवा है और इसकी उम्र है 13 इयर्स। फिर इसका सेनापति है कमांडर इन चीफ सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ। और इसमें कोई और भी कमांडर है क्या? इब्राहिम गार्दी का नाम सुना है? तो वो भी है। ये एक वॉरियर है जो कैनन्स को देख रहा था, ठीक है, तोप सेना को देख रहा था इब्राहिम गार्दी। ये सब मरे जाएंगे क्या? मर्टेड, शहादत मिल गई इन्हें, शहीद हो गए। तो इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को मिल गई विक्ट्री। पेशवा ने जैसे ही सुना कि उसका 13 साल का बेटा भी मारा गया, तो मारा ही नहीं जाना था, ये तो तय था, तो उसका तबीयत खराब हो गया, कुछ दिनों में वो भी चल बसा। ये थर्ड बैटल को क्या कहते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिसाइडेड मराठा वुड नेवर वुड नेवर रिप्लेस मुगल्स। इस युद्ध ने तय कर दिया, इस युद्ध ने तय कर दिया कि मराठा कभी भी मुगलों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। कमजोर हो गए ना, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे और भी लोग आते हैं 1761 में और 1771 तक। एक ग्रेट पेशवा होगा और ये है माधव नारायण फर्स्ट, माधव नारायण फर्स्ट। यंगेस्ट पेशवा बना, ये बहुत ताकतवर था, यंगेस्ट पेशवा, यंगेस्ट पेशवा है ये, सबसे कम उम्र में बना है, 17 साल के आसपास में। वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर है। डिफीटेड हैदर अली, कौन हैदर अली? निजाम है, टीपू सुल्तान का फादर, मैसूर। ही डिफीटेड हैदर अली, हैदर अली को हराया। किसे? हैदर अली को हराया। फिर शाह आलम सेकेंड सेट ऑन द थ्रोन बाय द इंटरवेंशन ऑफ माधव नारायण। उसको भगा दिया गया था दिल्ली से, शाह आलम सेकेंड को दिल्ली से हटा दिया गया था, उसको वापस से दिल्ली गद्दी पर किसने स्थापित किया? माधव नारायण। अभी आया था शाह आलम पिछले लेक्चर में। रीइंस्टेटेड ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय हिज हेल्प। यह इसकी सहायता से
दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसकी भी डेथ हो जाती है ड्यू टू डिजीज। तो किस पेशवा के मरने को कहते हैं कि ये पानीपत के युद्ध से भी ज्यादा नुकसानदायक था? इट वॉज मोर डेट्रीमेंटल फॉर मराठा एम्पायर व्हेन ही डाइड। जब इसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने क्या कहा कि हिज डेथ, देखो ये लोग लड़ने वाले लोग थे और उस समय कोई मेडिकल साइंस उतना ज्यादा एडवांस था नहीं कि एक्सरे करके देख लें। तो कोई छोटी बीमारी भी, जैसे भारत में कॉलरा से हैजा जिसे कहते हैं, पूरा गांव खाली हो जाता था, प्लेग से पूरा गांव खाली हो जाता था। नाउडेज प्लेग एंड कॉलरा इज अ माइनर डिजीज। तो डिपेंड करता है, मेडिकल एडवांसमेंट था नहीं, छोटा भी कोई घाव होगा ना, जैसे युद्ध में चोट लग गई और वो ठीक नहीं हो रहा है तो गैंग्रीन हो जाएगा, पूरा शरीर खराब हो गया, ठीक है। तो ये बात है, हिज डेथ कॉस्ट मोर डिमाइज कंपेयर देन पानीपत। इसकी मृत्यु ने पानीपत के युद्ध से भी ज्यादा खराब प्रभाव डाला मराठों के साम्राज्य के ऊपर, ठीक है। इसकी मृत्यु ने ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जितना एक्सपेक्ट था। एक आता है ये माधव नारायण सेकंड, ये इसीलिए फेमस है कि बेचारा ये सुसाइड कर लेगा, ये एकमात्र पेशवा ही कमिटेड सुसाइड, प्रेशर में आ गया था ये। और एक लास्ट पेशवा है, ये सब बस टेलेंडर है, समझ रहे हो। लास्ट पेशवा एक, इसका नाम है बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड लगभग इस पीरियड से दिखाई देगा ये। बाजीराव सेकंड, ठीक है, पेशवाओं की पूरी आगे स्टोरी समझ में। इधर लिख लिया है, शिवाजी का साम्राज्य आया समझ में? मतलब जब तक पेशवा है, अब जैसे ही ये सब कमजोर होने लगेंगे तो कौन आ जाएगा इसमें टांग अड़ाने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। एंग्लो मराठा वॉर सुने होंगे, आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हो रहे हैं, अंग्रेज क्यों मराठों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, क्यों लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज मराठा वीकेंड इट्सेल्फ, मराठों ने खुद को कमजोर करना शुरू कर दिया और इसी का परिणाम निकला कि अंग्रेजों ने मराठों के ऊपर हमले शुरू कर दिए, ठीक है। अब जरा नोट करके कुछ पॉइंट लिख लो, एक जरा इनकी टैक्सेस लिख लो, इनके कर होते थे, एक को कहते हैं चौथ, एक को कहते हैं चौथ और दूसरे को कहते हैं सरदेशमुखी। ये 1/10 होता था और ये 1/4 है, चौथ हैंड सरदेशमुखी। ये कैसा टैक्स दिखाई दे रहा है? सिक्योरिटी टैक्स फ्रॉम मराठास इन्वेजन। देख लो, खुद के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए टैक्स ले रहे हैं। मराठा हमलों से बचाव के लिए सुरक्षा कर है ये। मराठा कहते थे कि अगर तुम नहीं दोगे तो हमला कर देंगे तुम्हारे क्षेत्र पे। और 1/4 किसका है? ये लैंड रेवेन्यू है क्या? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू माने भू राजस्व।
और ये भी यही है सर देशमुखी लैंड रेवेन्यू के लिए, ठीक है। सेकंड एक होता था बलूते सिस्टम, बलूते व्यवस्था मराठों के समय में। अच्छा एक और बात, ये जो 1/4 टैक्स लग रहा है ना, ये किसने स्टार्ट किया था? राजा राम, अभी पढ़ा था राजा राम। इस चौथ को कई जगहों पे ऐसा भी लिख सकते हो सरंजाम व्यवस्था। सरंजाम सिस्टम ये क्या है? एनुअल एग्रीकल्चरल, एनुअल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शेयरिंग टैक्स ओवर पीजेंट्स। हाँ वही है, किसानों के ऊपर कृषि उत्पादों को वार्षिक रूप से देने की व्यवस्था, इसको बलूते सिस्टम कहते थे, ये याद रखना है, ठीक है। और देखते हैं, नेक्स्ट देखो, अगर ये विलेज है तो विलेज होगा तो इसका कोई हेड भी होगा। इस विलेज हेड को कहते थे पाटिल, आज भी होते हैं क्या इधर महाराष्ट्र में? पाटिल, विलेज हेड को पाटिल कहते थे, ठीक है। और रिकॉर्ड कीपर को कुलकर्णी। वही मराठों मराठे ही है, कोई एक नाम नहीं है। रिकॉर्ड कीपर जो रिकॉर्ड को रखने वाला होगा वो होगा कुलकर्णी, आज भी होते हैं ये कुलकर्णी। और गांव की सिक्योरिटी कौन देखेगा? देशमुख। नहीं, ये वही उन्हीं के लोग हैं, वंशज है ना। हाँ, देशमुख क्या करेगा? सिक्योरिटी करेगा गांव की। देशमुख और देश पांडे सुना होगा? नहीं सुना? आज भी टाइटल के रूप में वही उन्हीं लोगों के, उन्हीं के परिवार से हैं, ठीक है। तो विलेज लेवल पे बना के रखा गया था। समझ रहे हो? ये पूरी सिस्टम मराठों की आई समझ में? इट इज होल सिस्टम ऑफ मराठा एम्पायर, पेशवाज एंड शिवाजी एंड ये जो पूरा इनका जो ओवरऑल सिस्टम बना हुआ था, यही है मराठों की पूरी व्यवस्था। मराठे धीरे धीरे अंग्रेजों ने अटैक करना शुरू किया और पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया 1818। ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिस्ट ऑफिस ऑफ पेशवा इन 1818 एंड दैट इज हाउ मराठा एम्पायर इरोडेड, ठीक है। एक और बात चाहो तो लिख लो अंतिम बात, ये जो मराठा है ना, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग भी दिखाई देते हैं, मराठों की अलग अलग क्लैन दिखाई देती है। बड़ौदा में गायकवाड़, गायकवाड़ कौन से मराठा होते हैं ना। इंदौर में होलकर, आज भी ये लोग दिखते हैं ना। ग्वालियर में सिंधिया,
ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोंसले, ये मैच कराने के लिए पूछ लेते हैं। पूना में बैठता था पेशवा। ठीक है, और ये इसको कहते थे मराठा कन्फेडरेसी, मराठा संघ। क्या कहते थे इसे? मराठा संघ। ये किसने स्टार्ट किया था भाई? बाजीराव फर्स्ट। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मराठा लोग बैठेंगे और वो स्ट्रांग होंगे, ऑटोनमस होंगे, स्वायत्त होंगे। ठीक है, मराठा कन्फेडरेसी स्टार्टेड बाई बाजीराव फर्स्ट। तो ये मेन मेन पॉइंट्स थे मराठा एम्पायर के। अब अगली बातें हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है।